अयोध्या का रुख करते हैं, वहां पे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं। कौन ऐसा भारतीय होगा जो भारत जो अयोध्या की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न करता हो, और हरेक व्यक्ति अयोध्या की इस परंपरा के साथ जुड़ना चाहता है। हम देश के अंदर जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के इस बात का मालूम करते हैं, भारत ही नहीं अब तो दुनिया के अंदर भी हम लोग जाके देखते हैं। आपको याद होगा जब 2017 में हम लोगों ने यहां पर दीपोत्सव के कार्यक्रम को प्रारंभ किया था, दीपोत्सव के कार्यक्रम में हम लोगों ने कई देशों से रामलीलाओं को बुलाया था, जिन देशों में रामलीला का मंचन होता है, और उन लोगों को यहां पर जब बुलाया था तो इंडोनेशिया की रामलीला भी आई थी। इंडोनेशिया दुनिया के अंदर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी का देश है, उसमें जितने भी पात्र थे सभी मुस्लिम थे। तो मैंने बाहर के देशों से आने वाले रामायण के जितने भी पात्र थे इनको मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में बुलाया था बातचीत करने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए, क्योंकि जब यहां अयोध्या में कार्यक्रम था दीपोत्सव का तो यहां पे भीड़ भाड़ थी, सभी लोग व्यस्त भी थे, तो उस समय यहां पर न संवाद बन पाया था ना उनका सम्मान हो पाया था। तो मैंने उनको लखनऊ विशेष रूप से बुलाया था, वे लोग मेरे पास आए थे वहां पे, थाईलैंड लाओस की बात मैं मान सकता था, थाईलैंड के राजा अपने आप को राम का वंशज मानते हैं, लाओस की परंपरा अपने को भारत के साथ जोड़ती है, कंबोडिया की पूरी परंपरा भारतीयता से प्रभावित है। लेकिन मेले में यह अद्भुत था कि वास्तव में इंडोनेशिया जैसा देश जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का देश है, आखिर इंडोनेशिया में ये सभी कलाकार जितने भी रामायण के पात्र बने हुए सब मुस्लिम हैं, लेकिन कोई राम बना है, कोई लक्ष्मण बना है, कोई हनुमान बना है, ये सभी और उसी तन्मयता के साथ इस भाव के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा इस बात को लेकर के, मैंने कहा भी आप सब रामायण के उससे जुड़े हुए हैं, आप केवल एक कलाकार हैं और कलाकार के रूप में आप इस कार्यक्रम को करते हैं या केवल आपकी भावना भी इस रूप में है। उन्होंने कहा नहीं, हम केवल कलाकार नहीं हैं, राम के साथ हमारा आत्मीय संबंध है, और जब हमें आमंत्रण मिला था अयोध्या का तो हम लोगों ने उस समय इस बात को कहा था कि साहब अयोध्या में चाहे हमें जैसे भी जाना होगा हम जाएंगे जरूर, अयोध्या ना हमारे लिए गौरव की बात है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा साहब देखिए अयोध्या राम ये हमारे लिए कोई एक नाट्य मंचन नहीं है, राम हमारे भी आस्था के प्रतीक हैं, राम हमारे भी पूर्वज हैं, हमारे पूर्वजों ने किसी कालखंड में किसी पीढ़ी ने अपनी उपासना विधि बदली होगी, उपासना विधि बदल